Hi friends, Namaskar. Welcome to my channel, Various Aspect of Life. और आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी ब्रेड का रसगुल्ला. इससे पहले मैंने एक वीडियो शेयर की थी ब्रेड का गुलाब जामुन, और आज मैं शेयर कर रही हूँ ब्रेड का रसगुल्ला. बहुत सॉफ्ट बनता है, डिलीशियस, और झटपट बन जाता है. घर में ही चीज़ें सरलता से उपलब्ध हो जाती हैं, हमें इसके लिए कोई विशेष चीज़ का अरेंजमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती. इसके लिए मैंने ये 6 पीस ब्रेड के लिए हैं, और ब्रेड का जो ब्राउन पोर्शन है वो मैंने कट कर दिया, उसके एजेस मैंने कट कर दिए हैं. और इनका भी हम पोहा बना सकते हैं, और इनको हम यूज़ करेंगे, ये बेकार नहीं जाएंगे. ये मैंने 5 ग्राम के करीब जो है कॉर्नफ्लोर लिया है, 1 कप शुगर ले ली मैंने, दूध 1 कटोरी जिसमें मैंने मलाई स्पेशली इसमें डाल करके ली है, और ये किशमिश ले ली है कुछ मैंने, इलायची को मैंने पीस लिया, और ये नारियल पाउडर लिया है, और थोड़ा सा देसी घी हमें चाहिए और पानी चाहिए. इसमें मैं सबसे पहले एक कढ़ाई में इस दूध को गर्म करूँगी, इसको डाल देती हूँ, और जब ये दूध उबलने लगेगा तब हम इसके अंदर हमारी ब्रेड डालेंगे. और अभी उबलने से पहले इसको, चूंकि हमें थोड़ा मीठा रसगुल्ला हो तो ज़्यादा अच्छा है, ये इसमें मैं शुगर डाल देती हूँ, थोड़ी शुगर जितने भी आपको चाहिए उसके हिसाब से आप मीठा कर लीजिएगा, और इसको हम उबाल लेते हैं. दूसरी तरफ जब तक ये हमारा उबले, हम दूसरी तरफ गैस को ऑन करेंगे, और इसके अंदर हम शुगर सिरप बनाएंगे. और इसके लिए हमें एक पतला सा एकदम लिक्विड शुगर सिरप चाहिए. ये मैंने यहाँ सारी शुगर इसमें डाल दी, और इसके अंदर कम से कम 1 से 1.5 गिलास पानी डालेंगे. ये मैंने 1.5 गिलास के करीब इसके अंदर पानी डाल दिया है, और जब तक ये शुगर इसमें मेल्ट होगी तब तक हम इसको, इस सिरप को बनाएंगे. तो इधर हमारे सिरप तैयार हो रहा है, और इधर हम इसमें हमारा दूध जो है वो देखिए ये बॉयल होने लगा, और इसमें शुगर भी जो है वो थोड़ी मेल्ट हो चुकी है, और थोड़ी इसमें हो रही है. जब तक शुगर मेल्ट हो तब तक हम इंतज़ार करेंगे, और इसके अंदर फिर हम जैसे ही शुगर मेल्ट हो जाएगी, देखिए ये हो चुकी है, और इसके अंदर मैं थोड़ा घी डाल दूंगी, 1 से 1.5 चम्मच के करीब. और घी डालने के बाद में इस घी को भी हम इसमें मिक्स कर लेते हैं. अब इसके अंदर हम अपनी ये ब्रेड डालते जाएंगे, और इन्हें इसके अंदर अच्छी तरह से, जब तक ये दूध पूरा ये एब्जॉर्ब नहीं कर लें तब तक हम इन्हें इस दूध के अंदर ही पकाएंगे ऐसे. इसको हम पकने देंगे, इसमें दूध बचना नहीं चाहिए. शुगर सिरप भी इधर अभी तैयार नहीं हुई है, इसको भी थोड़ा भी समय लगेगा. इसको हमने सिम पर रख दिया है, ताकि जब तक ये सिरप तैयार हो इधर हमारा ब्रेड का जो पेस्ट है वो तैयार हो जाएगा. ये देखिए सारी ब्रेड का हमारा तैयार हो गया है, और हम गैस को बंद कर देते हैं.
और इसमें अब मैं नारियल पाउडर भी इसके अंदर मिक्स कर दूंगी। नारियल पाउडर से अच्छा टेस्ट आ जाता है और इस तरह मिला करके इसको हल्का गर्म हो, जब तक ये हल्का ठंडा हो जाए यानी हल्का गर्म रहे तब तक हम इसको ठंडे होने का इंतज़ार करेंगे। ये देखिए मैंने इसमें फैला लिया और अब इसमें मैं हमारा जो कॉर्नफ्लोर है उसको इसको डाल करके इसके अंदर और मैं इसको मिक्स कर लूँगा। ये कॉर्नफ्लोर इसमें मिक्स हो गया और अब इसको हम थोड़ी देर, जो अभी ये गर्म है तो इसको बड़ा सावधानी से हम इसको मैश कर लेते हैं थोड़ा, ताकि एक डो तैयार हो जाए। ये देखिए इस तरह का डो तैयार कर लिया और अब हम इससे छोटी छोटी लोइयां बना लेंगे। और इधर हमारा सिरप भी देखिए ये तैयार हो चुका है और अब हम गोलियां इसकी राउंड राउंड बॉल्स बना लेते हैं। ये इस तरह से जितना आपको बनाना हो उतना इसमें से आप डो में से लेंगे और इसके बीच में एक से दो तक किशमिश जो है वो रखेंगे और इस तरह से इसको बंद करके और हम ये बॉल तैयार कर लेते हैं। हथेली में से थोड़ा सा तेल लगा करके या घी लगा करके और दो किशमिश ऐसे रख के और आप इसको बंद कर दीजिएगा और इस तरह से राउंड शेप में कर दीजिए। ये देखिए इनका कहीं से भी इसमें क्रैक नहीं दिखाई देना चाहिए। ये देखिएगा इस तरह की बॉल्स बना लेंगे। देखिए इधर चाशनी हमारी शुगर जो है वो सिरप, शुगर सिरप तैयार है और इसके अंदर जो मैंने इलायची पाउडर किया था उसको इसमें डाल देती हूँ और इसको एक बॉयल आने देते हैं। ये हमारी सिरप तैयार हो गई, ये इलायची के दाने जो हैं वो हैं और इधर हमारे बॉल्स भी तैयार हैं। देखिए ये बॉल्स बहुत खूबसूरत और देखिए कहीं भी इसमें क्रैक नहीं है। अब हम इस सिरप के अंदर, इस सिरप के अंदर इन्हें धीरे से जेंटली इनको हम डालेंगे और इन्हें कम से कम पाँच मिनट तक इसके अंदर बॉयल होने देंगे। आप देख सकते हैं अभी इनको पलटना नहीं है, नहीं इसमें हमें स्पून लगाना है, कुछ भी नहीं लगाना। आप इसको एज इट इज़ इसके अंदर बॉयल होने देंगे और घड़ी से देख करके 5 मिनट तक हम इसको बॉयल करेंगे। ये देखिए इसमें बॉयल हो रहे हैं और अब हम इसको या तो आप ऐसे हिला लीजिए इनको ताकि इस सिरप में पूरा इस तरह से डूब जाए, या फिर इसको ऐसे अब हम हल्का सा स्पून लगा करके इनको उल्टेंगे ताकि इसमें शुगर आ जाए। देखिए और आप इस तरह से पैन को हिलाते भी रहेंगे ताकि इसके अंदर शुगर सिरप जो है वो अच्छी तरह से आ जाए। ये देखिए फूलना शुरू हो गए हैं, बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत टेस्टी सॉफ्ट और आपको लगेगा और झटपट तैयार होने वाले। और आपको जब भी मीठा खाने का मन होगा आप ज़रूर इसके बारे में सोचेंगी। ये देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा इसके अंदर कि जस्ट डबल हो गए हैं ये फूल करके, जबकि इसमें हमने कुछ भी ऐसा नहीं डाला है जो इसको फुलाए, मगर इसके अंदर अब चाशनी भर गई है और हमारे 5 मिनट भी लगभग कंप्लीट होने आए हैं। और अब हम गैस को बंद कर देते हैं। देखिए इसको जूस, आप इसको करछी लगाने की जगह अगर हिलाएंगे तो हिलाने से ये ज़्यादा अच्छी तरह इनके अंदर सिरप जो है वो पहुँचेगा। और आप साइज़ देखें, ये देखिए जस्ट डबल साइज़ बन गया है और जूस इसके अंदर भर गया है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं।
और इन्हें ठंडा होने देंगे। ये देखिए आप, इनका साइज़ देखें, बहुत सॉफ्ट और बहुत टेस्टी बनते हैं। अभी जब ये ठंडे हो जाएंगे तब आप इनको सर्व कीजिएगा। और आप मेरी इस रेसिपी को पहले ट्राई कीजिए प्लीज़, और ट्राई करने के बाद में अगर आपको अच्छी लगती है तो यू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक्स अ लॉट।